अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी NDA में दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने महिलाओं को NDA के जरिए सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस पर खुशी जताते हुए सरकार से लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब तक NDA के दरवाजे लड़कियों के लिए बंद हैं, वहां सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है। इसे भेदभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई थी। 18 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस साल होने वाली NDA की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने दिया जाए। कोर्ट ने यह कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा। तो वहीं इस मामले पर आज सुनवाई भी हुई और सुनवाई शुरू होते ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि मैं एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ। सरकार ने कल ही निर्णय लिया है कि लड़कियों को NDA और नेवल अकेडमी में प्रवेश मिलेगा, लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस साल की परीक्षा को लेकर यथास्थिति बनी रहने दी जाए। यह परीक्षा जून में होनी थी, उसे कोरोना के मद्देनजर स्थगित कर दिया था। परीक्षाओं में इसी साल बदलाव से काफी समस्याएं आएंगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।